So the question is, a ray of light emerging from the point source placed at P 2, 3 is reflected at a point Q on the y-axis and then passes through the point R 5, 10, then the coordinate of the point Q is. तो इस तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है. यहाँ पर रे ऑफ लाइट इमर्ज कर रही है P 2, 3 से, तो X 2, Y 3 यहाँ से लाइट इमर्ज कर रही है, यहाँ से लाइट इमर्ज कर रही है और Y एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्टेड रे पास करती है फिर अगेन किसी पॉइंट से. ये पॉइंट P है, दैट इज 2, 3, और ये पॉइंट है Q, दैट इज 5, 10. ये पॉइंट R है, Q नहीं है, दिस इज R, तो इसको ठीक कर लेते हैं. दिस पॉइंट इज R, रिफ्लेक्टेड रे पास कर रही है पॉइंट R से, जो जहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है वो पॉइंट Q है, ठीक है ना. तो अगर हम P पॉइंट की इमेज ले लें, Y एक्सिस में इमेज ले लें, तो वो रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर फॉल करेगी. जैसे कि ये रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ और यहाँ से P पॉइंट की इमेज ले लूँ Y एक्सिस में, तो ये जो पॉइंट होगा, सपोज ये पॉइंट P1 ले लेते हैं, P1, तो P1 QR शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. P1 QR इज शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर जिस पॉइंट से रे पास कर रही है उसकी इमेज ले लें, इसको मिरर ले लें ना एक तरह से, ये Y एक्सिस को मिरर ले लें, तो P पॉइंट की अगर इमेज ले लें P1, तो वो P1 QR एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. P1 QR शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. तो एक तरह से हम P1 की वैल्यू क्या ले सकते हैं, P1 क्या है, इमेज ऑफ P 2, 3 इन मिरर y एक्सिस, ठीक है. तो इमेज क्या होगी y एक्सिस में, y एक्सिस में इमेज कैसे लेते हैं, x को माइनस x लिख देंगे, तो P1 क्या बन जाएगा, -2, 3, ये P1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ P1 QR, इक्वेशन ऑफ P1 QR, तो उसकी स्लोप लेंगे पहले. स्लोप कितनी होगी, स्लोप ले लेंगे, P1 पॉइंट आ गया हमारे पास -2, 3 और R पॉइंट हमें मालूम है, तो यहाँ से स्लोप लेंगे तो होगा 10-3/5+2, तो इट इज 7/7 स्लोप 1 आ जाएगी, ठीक है. तो इक्वेशन क्या बनेगी P1 QR की, दैट इज y -10 इज इक्वल्स टू 1 × x - 5, ठीक है. तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू x - 5+10, तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू x+5, ये इक्वेशन होगी P1 QR की. अब Q पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा, लेट Q बी 0, y, ठीक है. तो 0, y का मतलब क्या, x को 0 पुट कर दो, इंप्लाइज y कितना आ जाएगा, 5, ठीक है. तो P पॉइंट क्या हो गया, 0, और Q पॉइंट क्या हो गया, 0, 5, क्योंकि वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा P1 QR के ऊपर, तो वहां से हमारे पास Q पॉइंट की वैल्यू आ गई 0, 5, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉइंट Q.